को कभी भी कमजोर साबित मत करो, क्योंकि डूबते हुए सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे भी बंद कर लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन टू कमर्स का अड्डा विद शिल्पी गोयल। गाइस, आज अगेन मैं आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल वीडियो ही लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। होप आप लोगों को उस कहानी से कुछ समझ जाएगा। जिसे कदर है अपने शब्दों की, उसके लिए समय खुद बोलेगा। काम से साबित करो खुद को, बाकी सब छोड़ दो जमाने पर। अब हम आते हैं इसी शेर के साथ एक स्टोरी पर। एक बार एक गांव था, गांव में एक आदमी रहता था। उसकी जिंदगी में हर सुख था, और सबसे बड़ा सुख यह था कि वो गांव में रहता था। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा उसका घर था, हर सुख सुविधा थी। लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी से, अपने उस घर से खुश नहीं था। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गांव में रहता था और उसे लगता था कि जो शहर की जिंदगी होती है वो गांव की जिंदगी से 10,000 गुना बेटर है। एक दिन उसने अपने एक दोस्त को बुलाया, क्योंकि उसने मन बना लिया था अपना घर बेचने का। उसने अपने दोस्त को बुलाया और बोला कि भाई तू तो रियल स्टेट में है, मेरा घर बिकवा दे। उसका दोस्त बोला, भाई तेरे घर में क्या कमी है, सब कुछ तो है तेरे घर में, इतना सुंदर घर है, पहाड़ियों के बीच में है, तो क्यों बेच रहा है? कि भाई ये भी कोई घर है, कच्ची पक्की सड़कें हैं, कहीं भी निकल जाओ तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, चारों तरफ पेड़ हैं, हवाएं चलती रहती हैं, घर में पत्ते आते रहते हैं, दिन भर उसकी सफाई कर दो, ये भी कोई जिंदगी है? शहर में जाओ, आलीशान जिंदगी है, मौज है, मस्ती है, मुझे ऐसी ही जिंदगी चाहिए। उसका दोस्त बोला, अच्छा तूने अब आकर अपना मन बना ही लिया है तो ठीक है, मैं बिकवा दूंगा जल्द से जल्द तेरा घर। उसका दोस्त ये कह के चला गया। अगले ही दिन सुबह जब वो उठा तो उसने न्यूज़पेपर जैसे ही खोला तो उसके न्यूज़पेपर में एक बड़ा सुंदर सा ऐड था। उसमें लिखा था कि चारों तरफ हरियाली, हरियाली के बीच, हरे हरे पौधों के बीच, पेड़ पौधों के बीच में एक बहुत सुंदर घर। अगर जिसको भी इस घर को लेना है वो संपर्क करें नीचे दिए हुए नंबर। अब इतनी तारीफ की, चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ों के बीच में घर है, उगता सूरज देखो, ढलता सूरज देखो, इतनी तारीफें पढ़ने के बाद उसने सोचा, यार मेरी पसंद का तो यही घर है, मैं तो यही घर लूंगा। नीचे जो नंबर दिया था उसने उस नंबर को मिलाया, डायल किया। जैसे ही डायल करता है तो क्या देखता है कि वो किसी और का घर नहीं है, वो खुद उसका ही घर था। उसने फौरन अपने उस रियल स्टेट वाले दोस्त को कॉल किया और बोला, भैया मैंने अपना घर नहीं बेचना, जिस घर की तलाश में था, जिस घर को मैं पसंद करता था, मैं तो उसी घर में रह रहा हूं, तो मैं अपने उस घर को क्यों बेचूंगा, मैं अपने उस घर को क्यों बेचूंगा। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है। गाइस, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी कंडीशन में रहें, हमारे पास कितनी भी सुख सुविधाएं हों, लेकिन हम हमेशा अपनी लाइफ को लेकर कंप्लेन ही करते हैं कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो सुख नहीं है। गाइस, डू यू थिंक हम लोग सुबह में उठते हैं, हमें रोज सुबह उठ के भगवान को एटलीस्ट ये थैंक्स करना चाहिए कि थैंक यू गॉड, आपने हमें एक और नया दिन दिया, हमें एक और दिन दिया अपने सपने पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए। गाइस, कितने लोग हैं, हम हमेशा अपने ऊपर वालों को देखते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं है। गाइस, हमें हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। हमारे पास दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, सारी सुख सुविधाएं हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं ना जिनके पास हाथ, पैर, शरीर का कोई अंग, यहाँ तक कि सुख सुविधाएं भी नहीं है। हमारे पास अच्छी खासी नौकरी, अपने बिजनेसेस हैं, कुछ तो ऐसे हैं ना जिनके पास वो भी नहीं है, काम भी नहीं है, भीख मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। तो गाइज, हमेशा ऊपर वालों को क्यों देखना? ऊपर वालों को देख के तो अपनी लाइफ से हमेशा ही शिकायतें होंगी। हमेशा देखना है, अगर अपने आप को चांस देना है, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो। अपने से नीचे वालों को देखने पर आपको हमेशा यही फीलिंग आएगी कि हमारी लाइफ में जो है वो 10,000 गुना बेटर है उन लोगों से जिनकी लाइफ में ये सुख सुविधाएं भी नहीं है। तो गाइस, इसीलिए मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूँ जस्ट कि हमेशा नेवर अंडरस्टिमेट योर पावर, ऑलवेज अप्रिशिएट वॉट एवर यू हैव। आपके पास जो कुछ भी है उसको अप्रिशिएट करो कि यू आर हैविंग फार बेटर देन अदर पीपल हैव इन देयर लाइव्स। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कमर्स के अड्डे शिल्पी गोयल को, और प्लीज गाइस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें एज मच एज यू कैन। थैंक यू गाइस, बाय बाय।